अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है शलजम पालक की भुजिया। तो ये कैसे बनेगी, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई ना गोश्त में सब पकाते हैं, हम लोग भी गोश्त में पकाते हैं, तो मैंने कहा कई गोश्त नहीं खाते तो उन्हें ये भुजिया भी बनाने बता दूँ, क्योंकि शलजम तो सब्ज़ी है ना, तो पालक भी बहुत अच्छी बनती है। ये ना मैं ना तेल डालती हूँ, ये एक हम लोगों ने प्याज लिया, एक प्याज ले लिया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। ये ना मैंने आधा चम्मच हल्दी का ले लिया, एक चम्मच मिर्च का, आधा चम्मच नमक का, क्योंकि हम नमक मतलब थोड़ा खाते हैं, मसाले हैं जो हम लोग शामिल करने हैं। सादा सी है, मतलब पकाएं आप बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि मौसम की सब्जी है। ये मैं प्याज रख देती हूँ, ठीक है। इनको आपने क्या ब्राउन करना है, माशाल्लाह इतनी अच्छी सब्जी बनती है, आप बनाएं। तो ये है ना कि कई गोश्त नहीं खाते, डॉक्टर भी मना कर देते हैं गोश्त रोज़ ना क्या खाएं, तो मैंने कहा चलो ये आज पकाते हैं। इसके पापा को भी मना किया है ज़्यादा नहीं गोश्त खाना उन्होंने, तो मैंने कहा ये आज भी जी आज से बना लेते हैं ये, ठीक है। तो आपको भी मैंने कहा बताऊं अपने बहन भाइयों को, ठीक है। मतलब एक डिफरेंट सी रेसिपी होगी, मतलब जिसने गोश्त के साथ बनानी है तो वो भी है, तो हमारी चैनल पे आप लोग विजिट कर सकते हैं इस रेसिपी को, ठीक है। तो लेकिन आज हम आपको सिंपल मतलब जो शलजम और ये जो है पालक, इसकी बहुत झटपट बन जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी, और आप खाएं माशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। चोपड़ी भी रोटी हो ना, देसी घी के साथ साथ मूली हो, ये सालन बहुत अच्छा लगता है, आप बनाएं, लोग बनाते भी हैं। चलो मैंने कहा अपने बहन भाइयों को ये भी सिखा दें, ठीक है। तो व्यूअर्स, जब हम लोगों ने अपनी रेसिपी को शुरू कर दिया, देखते मज़ेदार सी जो सी ये बैंगन और पालक की भुजिया शलजम और पालक की भुजिया कैसे तैयार होती है। तो ये प्याज हम लोगों ने लाइट से कर लिए, देखें बहुत हम लोगों ने कलर तो दिया नहीं है, मैंने मसाला भी डाल दिया। ओके, ये हम लोगों ने इसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू आई है। अच्छा, तो अब हम इसका जो मसाला है इसको तैयार करना है। अब इसके बाद हम लोग क्या मतलब इसके अंदर वो जो हमारे हैं शलजम सब्जी, ओके, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ही डाल दें, वो नहीं डाला, नहीं वो नहीं डालना, बस ये थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी खराब है, नज़ला जुकाम बुखार भी हो रहा है मुझे, मौसम बदल रहा है ना, असल में खांसी सी भी हो रही है, नज़ला खराब हो गया। अच्छा, ये अब मैंने सब्जी देख ले, व्यूअर्स तबीयत खराब हो नासाज हो फिर भी हम आपकी नहीं, घर का तो काम करना ही पड़ता है, लिए आते हैं कि आपको रेसिपी सिखानी है, क्योंकि डेली बेसिस पे रोज़ ही मसला होता है कि क्या बनाए क्या ना बनाए, इसलिए ज़रा हमें भी होता है कि हमारे फैंस वेट कर रहे हैं, हमारे देखने वाले कि आज क्या रेसिपी शेयर करें और हम लोग बनाएं, क्योंकि रोज़ ही हर घर में यही मसला होता है कि आज क्या बनाएं। तो हमारे चैनल के थ्रू आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाता है, आपको आसानी हो जाती है, हेल्प हो जाती है कि आज क्या बनाएं। हाँ जी, ये ना अब मैं मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स करके ना अब मैं पकने के लिए इसे रख देती हूँ। हाँ जी, ये हाँ जी, ये ना अब मैं ढक के ना रख देती हूँ पकने के लिए। ओके, तो अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने नहीं जाना और हमारी आज की वीडियो को देखना कि मज़ेदार से जो शलजम और पालक की भुजिया वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, ये देखिए पकने लगे, बहुत अच्छी आ रही है। अब ये थोड़े से गल जाए ना, और तो फिर मैं पूछने लगी थी आपसे कि मतलब ये अभी गले नहीं है। हाँ जी, इनको और मज़ीद पकाना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छी ये बनती है भुजिया इसकी, तो थोड़े से गल जाए फिर ना इसे भून के ना, तो फिर आपको दिखाते हैं और गल जाए। तो व्यूअर्स, से उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी सब्जी के हवाले से रेसिपी है शलजम पालक की भुजिया अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ हमें फीडबैक ज़रूर दें, अगर कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह भी रिक्वेस्ट भी पूरी की जाएगी। तो अभी हम इसको दोबारा दम पर रख रहे हैं पकने के लिए, क्योंकि अभी जो शलजम है वो मुकम्मल तौर पर नहीं तैयार हुआ, इसको थोड़ी देर और पकाते हैं आपको दिखाते हैं। चला देखें, नमक मिर्च भी सेट है, ये देखें कि ये आना लगा है, और शलजम भी जो है वो भी गल गए हैं, ये थोड़े से हो गए हैं, जब हम लोगों ने पकाया तो ज़्यादा थे माशाल्लाह, बहुत अच्छी मतलब बन गया ये सालन। बेशक आप परांठे साथ सुबह के नाश्ते के टाइम भी खाएं, बहुत मज़े का लगता है। हाँ, तो चावल भी तो बॉईल किए जा सकते हैं। हाँ जी, चावल भी, गोश्त भी डाल लें, कोई नहीं, तो अपनी मर्जी है। हाँ, गोश्त के साथ भी हमने आपको रेसिपी दिखा दी है, गोश्त के बगैर भी दिखा दी है, तो ये आपकी मर्जी की, जितना मर्जी जो गोश्त नहीं खाना चाहते वो ऐसे बना के खा लें, सीजन की सब्जी है, खानी तो चाहिए। देखें माशाल्लाह कि ये भी आ गया, ये देखें
अच्छी तरह भुनी गई है। माशाल्लाह तो जबरदस्त लग रहा है। तो पालक भी दिख रही है, शलजम भी अच्छी तरह से दोनों चीजें जो है वो। असल में पकाने का बहुत ज्यादा मसला होता है, रोजाना क्या पकाए क्या करे, कोई कुछ नहीं खाता कोई कुछ नहीं खाता, कोई कहता ये पका लो कोई कुछ कहता, इसलिए तो अभी फाइनल हो गई हमारी रेसिपी। हाँ जी, थोड़ा सा और भून लेते हैं इसे। ठीक है, तो मतलब बुनाई के दौरान खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो आप लोग इसको बना के जरूर ट्राई करें, बताएं कि जो उसकी ईजी और आसानी से बनने वाली जो रेसिपी है। वो तो आसान से मसाले बस तीन मसाले हम उसके अंदर डाले, नमक मिर्च और हल्दी, वही यूजली जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमने इसको बना लिए, बबल्स बन रहे हैं, तो उसको फाइनल करके रिशॉर्ट करते हैं और आपको दिखा सकते हैं। सर्दियों को माशाल्लाह सब्जियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं अच्छी अच्छी, और हरी सब्जियाँ मतलब जैसे पालक साग इस तरह की चीज़ें, जो सी मेथी जो हरी सब्जियाँ वैसे उनके बड़े फ़ायदे हैं तो वो भी हैं ऑफ सीज़न की, वो भी आप लोग बनाएं। अच्छा जी, अब मैं निकाल देती हूँ। चलो जिसको हम रिशॉर्ट कर रहे हैं, देखिए व्यूवर्स, ये जो सी हमारी आज की रेसिपी है शलजम पालक की बिल्कुल तैयार हो गई है, धुआंधार धुआं निकला है, गर्मा गर्म तैयार हो गई है। खुशबू इसका क्या कह रहा है, कितनी उम्दा आ रही है, और ये आप लोग घी भी देख सकते हैं साइड्स पे जो आ गया है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें फीडबैक दें। इसके साथ साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम आपको इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।